तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। इस हफ्ते 3 हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। कंगना रनौत की तेजस, विधु विनोद चोपड़ा की विक्रांत, मैसी स्टारर 12th फेल और सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, बावजूद इसके टिकट खिड़की पर सूखा पड़ा रहा। इन तीन फिल्मों ने मिलकर शुक्रवार को देश भर से 2.5 करोड़ रुपए कमाए, क्योंकि तीनों ही फिल्मों की कमाई उम्मीद से बेहद कम रही। कंगना रनौत की एरियल एक्शन फिल्म तेजस जब अनाउंस हुई थी तभी से फिल्म को लेकर बातें हो रही थी, मगर रिलीज के बाद इस फिल्म ने निराश किया। क्रिटिक्स ने तो झाड़ा ही, पब्लिक ने भी फिल्म को खारिज सा कर दिया। कंगना की इस फिल्म ने पहले दिन 1.25 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। ओवरऑल देखें तो ये बहुत कमज़ोर कमाई है, मगर कंगना की पिछली फिल्म धाकड़ ने 55 लाख रुपए की ओपनिंग की थी, उसकी तुलना में ये बेहतर है। उम्मीद लगाई जा रही है कि तेजस दूसरे दिन 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। इस फिल्म में कंगना रनौत के साथ अंशुल चौहान और आशीष विद्यार्थी जैसे एक्टर्स ने काम किया था। तेजस को डेब्यूटांट सर्वेश मेवाड़ा ने डायरेक्ट किया है। इस वीकेंड रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म थी 12th फेल। असल घटना से प्रेरित इस फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है। ये दो लोगों की UPSC क्रैक करने की कहानी है। 12th फेल ने पहले दिन 1.1 करोड़ रुपए कमाए। ये फिल्म की उम्मीद से बेहतर कमाई मानी जा रही है, क्योंकि इस फिल्म में कोई स्टार अट्रैक्शन नहीं है। विक्रांत मैसी तगड़े एक्टर हैं, मगर अभी उनका बॉक्स ऑफिस पुल नहीं है। बावजूद इसके फिल्म ने ठीक ओपनिंग ली। ये फिल्म दूसरे दिन अच्छी उछाल लेने वाली है। शनिवार को 12th फेल 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। तीसरी फिल्म है सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। मैडॉक फिल्म से निकली ये एक एक्शन थ्रिलर थी। इस फिल्म ने निमृत खैर, राधिका मदान और भाग्यश्री जैसे एक्टर्स ने काम किया है। क्रिटिक लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, मगर वो चीज़ फिल्म की कमाई में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। सजनी शिंदे ने पहले दिन देश भर से मात्र 15 लाख रुपए कलेक्ट किए, जो कि बहुत ही बुरी ओपनिंग है। इस फिल्म के साथ भी वही समस्या थी कि इसमें कोई ऐसा एक्टर काम नहीं कर रहा था जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक ला पाए। ये फिल्म दूसरे दिन यानी शनिवार को 25 लाख रुपए की कमाई कर सकती है। ये तो इस हफ्ते की बात हो गई। दशहरा वाले हफ्ते में टाइगर श्रॉफ की गणपत रिलीज हुई थी। उस फिल्म की हालत पहले दिन से खराब चल रही है। बीते शुक्रवार को 3 नई फिल्मों से कॉम्पिटिशन के बीच गणपत ने 25 लाख रुपए कमाए। इससे 8 दिनों में फिल्म की टोटल कमाई रही 12.05 करोड़ रुपए। गणपत में टाइगर के अलावा कृति सेन, अमिताभ बच्चन और रहमान जैसे एक्टर्स ने काम किया था। इस फिल्म को क्वीन फेम विकास बहल ने डायरेक्ट किया था। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कॉमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। देखते रहिए लर्न टॉप सिनेमा। शुक्रिया।